हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पूरे मंथ का रिवीजन और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, प्रीति सुदन। केंद्र सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन प्रीति सुदन को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इस पद पर कार्य करने वाली साधना जी पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत 66 साल बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी 1958 में की थी। 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इसकी थीम है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्था के नाम से जाना जाता है। पूसा संस्थान का गठन 1 अप्रैल 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पेरियार टाइगर रिजर्व। ये केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरा और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीजन में 17 वनखंड शामिल हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाम मिन चिन भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, वियतनाम के। 30 जून को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आए थे। सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वियतनाम की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुए वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी ICG प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत को IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करती है और IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष अमेरिका बना है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है साझेदार देशों के बीच आर्थिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, $300 मिलियन। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार ने वियतनाम को कुल $300 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आधिकारिक 3 दिवसीय यात्रा पर थे। भारत और वियतनाम के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने 2024 से 2028 के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 8वें स्थान पर। WTO ने व्यापक सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि निर्यात $51 बिलियन है। 2022 में भारत का कृषि निर्यात $55 बिलियन था।
2023 की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ का कृषि निर्यात में पहला स्थान है, दूसरा स्थान अमेरिका का जिसका 2023 में कृषि निर्यात $198 बिलियन था, तीसरे स्थान पर ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, तुर्की ने। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। इससे पहले 2007 से 2010 तक तुर्की में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्षेत्र में युग युगिन भारत संग्रहालय स्थापित करेगा। इस संग्रहालय का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। युग युगिन भारत संग्रहालय को फ्रांस के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। यह अभ्यास तमिलनाडु के सुलार में 6 अगस्त को शुरू हुआ है। यह अभ्यास दो चरणों में हुआ है। पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त को हुआ था और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। एल्यूमिनियम उत्पादन में चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भोपाल में। 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य है शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। 2024 की थीम है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्यों में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और ओडिशा में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी है। 1 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक में और दूसरा ओडिशा में बनाया जाएगा। 2000 मेगावाट का सरावथी हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र कर्नाटक के सिमोंग जिले में सरावथी नदी पर विकसित किया जा रहा है। सरावथी परियोजना देश की सबसे बड़ी पंप भंडारण बिजली उत्पादन इकाई होगी। 600 मेगावाट का अपर इंद्रावती पंप भंडारण संयंत्र ओडिशा के कालाहाड़ी जिले में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प कला प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला श्रीनगर चौथा भारतीय शहर बना है। राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु के मामलापुरम को 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया था। 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मालदीव को। केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यह बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का इकलौता बंदरगाह है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कबीलन साई अशोक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 2 पुरुष और 4 महिला एथलीट हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितने अस्तर एम के फर्स्ट मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 200। भारतीय वायुसेना ने अपनी सुखोई 30 एमकेआई और स्वदेशी तौर पर विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए 200 अस्तर मार्क फर्स्ट मिसाइलों के उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। यह अस्तर एक स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का मार्क क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति 4.5 मेक है। यह मिसाइल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन इनको नष्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, आदि चुनचनगिरी किस राज्य में स्थित है जहां नए मोर अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के अनुसार कर्नाटक में आदि चुनचनगिरी और केरल में चुलनुआर को नए मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। मोरों की संख्या और प्रजनन के लिए यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय मोर को IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2024 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। HDFC बैंक को इस साल पहली बार इस सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लहामो शेरपा के नाम पर रखा गया है, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी नेपाल से। लहामो पासंग शेरपा माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला हैं। उन्होंने 1993 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी, लेकिन शिखर से उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नेपाल सरकार ने पासंग लहामो को नेशनल ल्यूमिनियर घोषित करके उनका सम्मान किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक को। दक्षिण अफ्रीका 20 लीग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साउथ अफ्रीका 20 लीग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली T20 लीग है। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 का खिताब सनराइजर्स इंडस्ट्रीज ईस्टर्न कैप की टीम ने जीता है। साउथ अफ्रीका 20 लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपलेचेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी अविनाश साबले। अविनाश साबले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलेचेज फाइनल में जगह बनाई है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी गोवा में। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई है, इनका संबंध किस खेल से था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए रेसलिंग। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी। पेरिस ओलंपिक में इनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण इनको खेल से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए के कैलाश नाथन ने। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 25वें उपराज्यपाल के रूप में के कैलाश नाथन जी ने शपथ ली है। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने पुडुचेरी राजभवन में कैलाश नाथन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी मलेशिया। अभ्यास उदार शक्ति 2024 एक वायुसेना अभ्यास है। 2024 में इस अभ्यास का आयोजन कुआंतन मलेशिया में किया गया था। यह 5 से 9 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, विशालगढ़ के पास खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी शिवाजी महाराज जी। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य में। यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को एकीकृत करने के बाद बनाया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, ई समन और न्याय श्रुति ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति
न्याय सेतु और ई समन ऐप लॉन्च किया है। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया है। अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से पंचपर्ण की बात कही थी, जिनमें से एक था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि BNS, BNSS और BSA जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए गए कानून हैं। इन 3 नए कानूनों में भारत की मिट्टी की सुगंध और हमारा न्याय का संस्कार है। अमित शाह जी ने कहा है कि इन कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, इसलिए ये दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता है। ई साक्ष्य के तहत सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई एविडेंस सर्वर पर सेवा की जाएंगी। ई समन के तहत सभी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसे समन भेजा जाना है। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फोरेंसिक, अभियोजना और जेल आपस में जुड़े होंगे। न्याय श्रुति न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई करेगी। अब चर्चा करते हैं 3 नए आपराधिक कानूनों पर। भारतीय न्याय संहिता BNS, इसमें 358 धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसमें 531 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, इसमें 170 धाराएं हैं। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद में पारित किए गए थे। ये 3 नए कानून IPC भारतीय दंड संहिता, CRPC आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण के लिए होने वाले आंदोलन के हिंसक होने के बाद किस देश के PM ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन होने के बाद बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी ने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हम बात करें कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों और कैसे हुई थी। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के घर परिवारों और अन्यों को 56% कोटा देने की घोषणा की और खबर मिलते ही जनता ने प्रदर्शन कर दिया। 19 जुलाई 2024 को हिंसक आंदोलन की वजह से एक ही दिन में 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और 7% आरक्षण लागू कर दिया। 4 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को हटाने की मांग को लेकर हिंसा भड़की और 100 से अधिक लोग मारे गए। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इस्तीफा दे दिया था। अब हम बात करें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बारे में। 23 जून 1996 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रही। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आई। 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। जनवरी 2024 में लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में होने वाले आंदोलन की वजह से PM के पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर को क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया है। मनु भाकर ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह जी के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश की यात्रा पर गई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर थी। पहले फिजी गई, फिर न्यूजीलैंड और अंत में तिमोर लेस्ते गई थी। फिजी और तिमोर लेस्ते का दौरा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया था। भारत ने घोषणा की है कि जल्द ही तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे सेलेक्ट किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, प्रशांत बालकृष्णन नायर और शुभांशु शुक्ला। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है,
जिसमें मुख्य गगनयात्री होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप गगनयात्री हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। इस संयुक्त इसरो नासा अभियान पर सहमति जून 2023 में पीएम मोदी जी की अमेरिका की यात्रा के दौरान हुई थी। इसरो ने ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गगनयात्रियों को भेजने के लिए नासा के द्वारा मान्यता प्राप्त अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ समझौता किया है। इस मिशन का नाम एक्सियोम 4 होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था और यह यूरोप, अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान की परियोजना है और रूस 2024 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हट जाएगा। वर्तमान में केवल रूस, चीन और अमेरिका के पास मानव मिशन लॉन्च करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के INS तबरनी किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, रूस के साथ। INS तबर रूस में 328वीं रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में हिस्सा लिया है। INS तबर का निर्माण रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के बालिस्टिक शिपयार्ड में किया गया था। 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया था। INS तबर भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक ने। भारत और विश्व बैंक ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर सहयोग किया है। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चार राज्य शामिल होंगे। इनमें 781 किलोमीटर का हरित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्ष तथा झाड़ियां लगाकर वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है, 33वीं पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ई, फील्ड हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस, भाला फेंक। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। स्मारक डाक टिकट केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है और 4 खेल शामिल हैं, फील्ड हॉकी, टेबल टेनिस, नौकायन, भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रि सेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अनिल चौहान जी के द्वारा। 5 अगस्त को CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रि सेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों के वित्तीय मामलों में सामंजस्य और तालमेल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। फिजी के राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी आदित्य L1 मिशन के लिए उनके समर्थन के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। 2023 में फिजी की सरकार के द्वारा PM मोदी जी को भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 6 से 8 अगस्त को भारत के द्वारा नई दिल्ली में पहला बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उज्जैन में। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 5 अगस्त को 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया था और इसके साथ ही उज्जैन का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले 2021 में 488 लोगों के द्वारा एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड फेडरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के नाम दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। यह समझौता 3 साल के लिए प्रभावी होगा
बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, उपस्थिति पोर्टल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, NCDC के द्वारा। NCDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NCDC राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 920 करोड़। नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य है गंगा और उसकी सहायक नदियों की पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। नमामि गंगे भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की सफाई और पुनर्जीवन के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक हिस्सा है। यह मिशन प्लास्टिक और मलबे जैसे तैरती ठोस कचरों को हटाने के लिए नदी की सतह की नियमित सफाई पर केंद्रित है। नमामि गंगे मिशन 2014 में गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 IOS-8 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा। 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 IOS-8 लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। IOS-8 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करना। इसका द्रव्यमान है 175.5 kg। इसे 775 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके कार्य होंगे, आपदा निगरानी करेगी, पर्यावरण की निगरानी करेगी, बिजली संयंत्र आपदा की निगरानी करेगी, ज्वालामुखी गतिविधियों का अवलोकन करेगी, समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आंकलन और बाढ़ का पता लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 की टीम को। इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेता को एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध का संचालन कैसे करना है इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह क्षेत्र भारत चीन सीमा के करीब स्थित है और यह अभ्यास 15 दिनों से अधिक समय तक चला है। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न शाखाओं ने भाग लिया है, जिनमें पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाना और सहायक इकाइयां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने जीती है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, भारत ने। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने नेपाल को हराकर चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग अपने नाम किया है। 7 अगस्त 2024 को फाइनल नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था और यह भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा कावा खिताब था। भारत की शालिनी को प्रतियोगिता में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। उप विजेता टीम नेपाल की थी और नेपाल ने रजत पदक जीता है। ईरान को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या राज्यों में अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ई, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी ने यह जानकारी दी है कि पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है। अब हम बात करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है क्या। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में लागू किया गया था और इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 क। इस अनुच्छेद के तहत
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने 86वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 4th ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यह मेडल भारत ने स्पेन को हराकर जीता है। अब हम बात करें कि भारत ने अब तक हॉकी में कब कब स्वर्ण पदक जीता है। 1928 में, 1932 में, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कितने कांस्य पदक जीते हैं और कब जीते हैं? तो भारतीय टीम ने 4 कांस्य पदक जीते हैं, 1968, 1972, 2020 और 2024 में। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, रेसलिंग में। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 2018 में विनेश फोगाट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2019 में लोरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया था और इस पुरस्कार के लिए नामांकन पाने वाली पहली भारतीय थी। 2020 में भारत के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम अर्थात अनाज वितरण मशीन लॉन्च की गई है। यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवेलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाला भारत का तीसरा प्लेयर है। नीरज चोपड़ा से पहले हैं रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना कितने वर्ष के लिए शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और यह इस योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घरों के निर्माण की सुविधा करना। इस योजना का नोडल निकाय बनाया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को और इस योजना में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी गरीब लोगों को। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ऑकलैंड में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध 1952 में स्थापित हुए थे। भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारत जल्द ही न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारतीय मूल के लोग न्यूजीलैंड की आबादी का 6% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में आयन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत रेसलिंग में मेडल जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। ये 21 साल 24 दिन के हैं, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किसे सम्मान दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी को। तिमोर लेस्ते के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते का दौरा किया है हाल ही में। तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू जी पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। फिजी की यात्रा पर राष्ट्रपति जी को कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। बात करें तिमोर लेस्ते की, तो तिमोर लेस्ते पहले पूर्वी तिमोर के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। तिमोर लेस्ते को इंडोनेशिया से 2002 में औपचारिक स्वतंत्रता मिली थी। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्टा। इनको 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। राजधानी है दिल्ली, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। यूपीआई की फुल फॉर्म है
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एस जयशंकर जी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। भारत और मालदीव ने UPI शुरू करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते से मालदीव के पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। UPI एक ऐसा सिस्टम है जिसे तुरंत पेमेंट होती है। इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष आपस में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI लागू होने वाले देश हैं सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाथी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, असम राज्य के द्वारा। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस अवसर पर असम सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करना। इस ऐप के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों, उनके द्वारा किए गए नुकसानों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी के बारे में पता चलेगा। 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में वैनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा को तापी नदी की सहायक नदी नलगंगा से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में वैनगंगा नदी के पानी को नहरों और पाइपलाइनों की सहायता से नलगंगा नदी तक लाया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या को दूर करना। अब हम थोड़ा सा इन नदियों के बारे में देखते हैं। वैनगंगा नदी, वैनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी से होता है। 580 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर दक्षिण की ओर बहती है, बाद में गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मजीरा। नलगंगा नदी विदर्भ के बुलढाणा जिले से होकर बहती है। नलगंगा नदी तापी की सहायक नदी पूर्णा नदी के बाएं तट पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हिम उन्नति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इनके द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। इस योजना में 1.92 लाख किसानों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, YouTube की पूर्व CEO कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सुशासन वोजस्की। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो मनिका बत्रा ओलंपिक में एकल स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। भारत ने पहली बार शूटिंग की स्पर्धा में 3 मेडल जीते हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेंज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महाराष्ट्र के अविनाश सावले बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास ले लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले लिया। विनेश फोगाट रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर है, लेकिन वेट कैटेगरी 50 किलोग्राम से उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अमान्य घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने। बिहार सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मंदिर, मठ, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में वर्तमान में 2499 पंजीकृत मंदिर हैं, 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं। सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर 438 वैशाली जिले में हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 78वां। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। 2024 में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया था। भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। सबसे अधिक बार ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो 17 बार किया है। दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें झंडा फहराने का मौका ही नहीं मिला।
अगला क्वेश्चन है, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं C.R. पाटिल जी, इनके द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य है देश में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही चलाया जाता है। कैच द रेन का मतलब है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। इसका गठन 2019 में किया गया था और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रत्नागिरी रोक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। रत्नागिरी रोक कला को कटल शिल्प के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। पुल का उद्घाटन सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग जी ने किया है। यह पुल तीस्ता नदी पर बनाया गया है। 2023 में अचानक बाढ़ आने के कारण यह पुल बुरी तरह से टूट गया था और इस पुल की ऊंचाई है 300 फुट और यह पुल सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। यह अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह अभ्यास 12 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना। मित्र शक्ति अभ्यास 2012 में शुरू किया गया। नोवा अभ्यास 2023 में भारत में आयोजित किया गया था पुणे शहर में। मित्र शक्ति अभ्यास पैदल सेना पर केंद्रित है और इस साल राजपूताना राइफल्स के 106 जवानों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। सितंबर महीने में वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग हरियाणा में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट भाग लेंगी, जिनमें से शामिल हैं इंग्लैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली आदि। इस लीग का आयोजन होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड कबड्डी के साथ साझेदारी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट में किस पौधे को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नील कुरुंजी। नील कुरुंजी का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेथस कुथियानस। नील कुरुंजी के फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ये एक झाड़ी नुमा पेड़ है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक में बेलारी जिले तथा पूर्वी घाट में सेवरोई पहाड़ियों में पाई जाती है। इस झाड़ी का वर्णन प्राचीन तमिल साहित्य में भी मिलता है। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है जो केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है। IUCN रेड लिस्ट में उन पौधों और जानवरों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जो लुप्त होने के कगार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद पैसे देने की घोषणा की है। 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल की छात्राओं को एक साल के लिए 300 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में मासिक धर्म से जुड़े मिथक और वर्जनाओं से निपटने के लिए उदिता योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, TV सोमनाथन। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तमिलनाडु केंद्र के वरिष्ठ IAS अधिकारी TV सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। कैबिनेट सचिव सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। ये प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और मंत्री परिषद को सहायता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, रवि गांधी जी को। भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया है। यह समिति भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति का आंकलन और निगरानी करेगी। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद संन्यास की घोषणा की है और हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि PR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच का पद संभालेंगे।
पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। क्रेग फुल्टन साउथ अफ्रीका के हैं। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच हैं। हॉकी इंडिया ने मई 2024 में हरिंदर सिंह जी को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहे 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान दिया गया था। पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं और 2002 में इनकी फिल्म आई थी देवदास, वहां पर इसकी भी स्क्रीनिंग की गई थी। हाल ही में शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 84 खिलाड़ियों का। पैरालंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा। इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। पेरिस पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में तो भारतीय टीम ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित 19 पदक जीते थे। भारतीय पैरालंपिक टीम के लिए एनजीओ शुरू किया गया है जिसका नाम है स्वयं। भारत इस बार 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा जिसमें पैरा नौका चालन और दृष्टि बाधिता जूडो देश की नई स्पर्धाएं होंगी। पैरालंपिक गेम पहली बार 1960 में इटली के रोम शहर में आयोजित किए गए थे। पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डेंगी ऑल किस रोग की वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, डेंगू रोग का। भारत की स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल पेनिसिया बायोटेक द्वारा बनाई गई है। इस ट्रायल में यह वैक्सीन पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक के व्यक्ति को लगाई गई है। डेंगू एडीज प्रजाति की मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, जापान को। जापान में एम्फिल तूफान पूर्वी तट से टकराया है। जापान में मई से नवंबर तक के महीने को टाइफून सीजन कहा जाता है। इस दौरान लगभग 20 तूफान आते हैं। टाइफून सीजन में भी अगस्त सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। एम्फिल तूफान साल का 7वां तूफान है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, किसान से बात। किसानों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान से बात नाम का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित है। इसका उद्देश्य है किसानों को मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों और मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, विभाग के अधिकारी और खुद मंत्री शामिल होंगे जो सर्वोत्तम पद्धतियों और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कितने साल बाद विधानसभा चुनाव आयोजित कराए जाएंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 10 साल बाद। चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। हरियाणा में चुनाव 1 चरण में ही होंगे, 1 अक्टूबर को। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को हो जाएगी। जम्मू कश्मीर का पिछला विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ था। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 103 मिनट का। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11वीं बार लगातार लाल किले पर झंडा फहराया और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का भाषण दिया था। 2023 में 90 मिनट का और 2022 में 83 मिनट का भाषण दिया था। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री जाधव शॉटपुट खिलाड़ी हैं।
इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। उद्घाटन हुआ है 28 अगस्त 2024 को और ये 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजित किया गया है। भारत पेरिस पैरालंपिक में 84 एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है, जिसमें 32 महिलाएं एथलीट शामिल हैं। भारत ने अब तक के पैरालंपिक खेलों में 31 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक। 1972 में मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था। 2016 में दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, राजेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी। G20 को नया ढांचा देने के लिए 2022 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ था। ग्लोबल साउथ 100 से ज्यादा देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ आर्थिक रूप से कम विकसित देशों का समूह है, जिसमें अफ्रीका और साउथ एशिया आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, केशी वेणुगोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकारी खर्चे की जांच करेंगी। 5 नई समिति और उनके अध्यक्षों के बारे में चर्चा करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष बने हैं फग्गन सिंह कलस्ते। पब्लिक अंडरटेकिंग समिति के अध्यक्ष बने हैं वैजयंत पांडा। पब्लिक अकाउंट समिति के अध्यक्ष बने हैं केसी वेणुगोपाल। अनुमान कमेटी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष बने हैं गणेश सिंह। लोक लेखा समिति होती क्या है? यह सबसे बड़ी समिति है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हर साल लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यपाल सदस्य होते हैं। यह समिति सरकारी खर्च की जांच करती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में। वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 18 जनवरी 2025 को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और फाइनल मैच 2 फरवरी को खेला जाएगा। वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। 2023 के वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें जीत भारत की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के INS तवर ने किस देश का दौरा किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का। भारतीय नौसेना का जहाज INS तवर नौसेना संबंधों को मजबूत करने के लिए डेनमार्क का दौरा किया है। इस यात्रा में डेनमार्क के सशस्त्र बलों के साथ द्विपक्षीय बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। हाल ही में INS तबर ने रूस में 38वीं रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में हिस्सा लिया था। INS तबर इसके अलावा रूस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन की। PM मोदी जी ने 21 और 22 अगस्त 2024 को पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड की यात्रा पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार की है। 1979 में मोरारजी देसाई ने पहली बार पोलैंड की यात्रा की थी और 23 अगस्त को मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा की। 1991 में यूक्रेन देश के निर्माण के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का गाँव पहला सौर गाँव बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ई, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का मन्या चिवाड़ी गांव पहला सौर गांव बना है। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आने वाले 1.5 सालों में राज्य में सौर ऊर्जा से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सीरिया को। भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाइयां भेजकर मदद की है। इस वर्ष मई के महीने में सीरिया की प्रथम महिला अस्मा असद को ल्यूकेमिया होने का पता चला था। ल्यूकेमिया का मतलब होता है खून का कैंसर और खून और बोन मैरो हड्डी के अंदर जहां खून बनता है वहां होने वाला कैंसर। यह ब्लड में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, 17वां दिव्य कला मेला कहां शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, रायपुर में। 17वां दिव्य कला मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया है। ये मेला 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक हुआ है। उद्घाटन किया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। दिव्य कला मेले की शुरुआत हुई थी 2022 में। इस मेले का उद्देश्य है
दिव्यांग कलाकारों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। 15 अगस्त 2024 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और इस योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, स्वीडन ने। स्वीडन की इमिग्रेशन मंत्री मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये कहा है कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं आई या फिर जो लोग यहाँ घुल मिल नहीं पाए हों वो स्वीडन छोड़ सकते हैं। पहले यह रूल विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों के लिए था, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार जो जन्मजात स्वीडन के नागरिक हैं उनके लिए भी लागू हुआ है यह नियम। और पहला नियम है, यदि कोई स्वीडन नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10,000 स्वीडन क्रोन अर्थात 80,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई बच्चा देश छोड़ता है तो उसे 40,000 रुपए दिए जाएंगे और किराए के पैसे भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ब्रायन निकोल। स्टारबक्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रायन निकोल को बनाया गया है। इन्होंने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह ली है। 50 देशों में स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई थी जिसमें हाल ही में दादर, कांदिवली, पनवेल और दहिसर रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 2023 में शुरू हुई थी। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर स्टेशनों को शामिल किया है। ये सभी स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में है। बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना की, यह देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। इस योजना में नई सुविधाएं शुरू करने के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन प्रतिस्थापन का भी प्रावधान किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है, नंजारायण पक्षी अभयारण्य, कंजुवेली पक्षी अभयारण्य। भारत स्वतंत्रता दिवस 2024 के दिन रामसर स्थलों की सूची में 3 वेटलैंड्स को जोड़ा गया है। अब भारत में 85 रामसर स्थल हो गए हैं। 2014 से 2024 तक रामसर स्थलों की सूची में 59 नए वेटलैंड्स जोड़ी गई हैं। बात करें नंजरायण पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक में है। पक्षियों की लगभग 191 प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें। कंजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। काजुवेली पक्षी अभयारण्य को 2021 में तमिलनाडु में 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय का निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। तवा जलाशय भारत की 85वीं और मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के दिन कितने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 103। अगला क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, तानसू सान। तानसू सान डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है। डीबीएस बैंक सिंगापुर की एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी है। डीबीएस संपत्ति के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है और एशिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, मुनाल सैटेलाइट किस देश का उपग्रह है? इसके प्रक्षेपण में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहायता करेगा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नेपाल का। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल में नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। इसका उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 में कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 152.2 करोड़। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 2036 में 152.2 करोड़ तक हो सकती है। 2036 तक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंचने की संभावना है। 2011 में लिंगानुपात 943 था। 15 साल से कम उम्र के लोगों का अनुपात साल 2011 के मुकाबले साल 2036 में घटने का अनुमान लगाया गया है। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की जनसंख्या का अनुपात काफी तेजी से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, टर्की में। टर्की में पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। यह कैलेंडर 1200 साल पुराना है।
जिसे पुरातत्वविदों ने टर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा है। इस कैलेंडर में एक धूमकेतु के हमले को दर्शाया गया है जिसके कारण 1200 साल का एक छोटा हिमयुग आया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन को चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड के गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 22 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मरणमयी डे। मिस टीन मरणमयी डे मलेशिया में होने वाली मिस टीन ग्लोबल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेगी। मरणमयी ने 28 जुलाई को मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 जीता था। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ था। मरणमयी पिछले 6 सालों में स्टार मिस टीन इंडिया के नेशनल लेवल पर ताज पहनने वाली पहली बंगाली हैं। इन्होंने स्टार मींस टीन टैलेंटेड अवार्ड 2024 भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, DRDO ने। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया था। यह बम लंबी दूरी पर लक्ष्य तक पहुंचने और उसे भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्ने मॉर्कल का संबंध किस देश से है जो भारत की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के। मॉर्कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल ने 2006 से 2018 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट RAN अग्रवाल का निधन हो गया है, उन्हें किस मिसाइल का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, अग्नि मिसाइल। एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है, उन्हें अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता था। सन 1990 में उन्हें पद्मश्री और सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अग्नि मिसाइल की पहली लॉन्चिंग 22 मई 1989 में हुई थी। भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। अगला क्वेश्चन है, रिहोलंगधर का संबंध किस राज्य से है जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करना, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जापान। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह वार्ता दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच होती है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। जापान की ओर से रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकाओ जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। इस योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के अलावा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट देने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। भारत नेपाल से 941 मेगावाट बिजली खरीद रहा था और अब 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेगा। 2014 में भारत नेपाल बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए नेपाल के साथ एक ऊर्जा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, धीरज मोहन बनर्जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 दिए गए हैं। यह पुरस्कार भू विज्ञान क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोगों से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 2030 तक। खुरपका और मुंहपका रोग पशुओं से संबंधित रोग है। इससे पशुओं के जीभ, होंठ, मुंह, स्तन ग्रंथियों और खुरों पर छाले हो जाते हैं और इनका प्रभाव दूध की पैदावार में कमी करती है और पशुओं में बांझपन आता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा महिला T20 विश्व कप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी UAE में। बांग्लादेश में फैली राजनीतिक अशांति के कारण महिला T20 विश्व कप 2024 के आयोजन को बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी सत्य प्रकाश सागवान को। सत्य प्रकाश सागवान भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का अब तक का 84 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा पैरालंपिक दल भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ओडिशा में। ओडिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को एक दिन का माहवारी अवकाश मिलेगा। यह घोषणा ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा के द्वारा की गई है। यह अवकाश वैकल्पिक होगा, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए तो ना भी ले। बिहार में 1992 से 2 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। 2020 में जोमेटो ने अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए हर साल 10 दिन की मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। केरल राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है। मासिक धर्म अवकाश देने वाले देश हैं स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए अमूल। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। 2023 से अमूल ने ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी की है। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास को। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए पॉजिटिव ग्रेड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस अमेरिका की एक पत्रिका है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड की ओर से यह रेटिंग 1994 से जारी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी जापान के साथ। भारत में उत्पादित हरित अमोनिया जापान को एक्सपोर्ट करेगा। सेम कार्प इंडस्ट्रीज ने 3 जापानी कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी को विभाजित कर उत्पादित हाइड्रोजन और वायु से अलग किए गए नाइट्रोजन को मिलाकर हरित अमोनिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर। वैज्ञानिकों ने खोज की है और मंगल ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल मिला है। नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से प्राप्त डेटा के माध्यम से यह खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्य वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 10 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए हादसे के बाद किया है। अगला क्वेश्चन है, 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हो गई है, यह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी KS चित्रा को। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 70 सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली रेसर कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी डायना पंडोले। अगला क्वेश्चन है, मोदीज गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर आएगा तरुण चुग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका 1 अक्टूबर से भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा देगी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं?
इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी अमेरिका। 23 से 26 अगस्त तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। भारत और अमेरिका ने आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ है और ये समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। इस समझौते से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपसी सहायता देने में सहमत हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी भारत। जुलाई 2024 में भारत ने रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदा है। जुलाई से रूसी कच्चे तेल का 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात हुआ है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब से भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़ा है। भारत रूस से मुख्य रूप से कच्चा तेल और उर्वरक खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 5.765 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। कर्नाटक 2017 में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पेश करने वाला पहला राज्य था। राज्य सरकार ने 2024 के बजट में लगभग 2500 नई इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और स्थापित किए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।